उत्तराखंड वन विकास निगम के डिपो नंबर 2 में रखी लकड़ियों की जड़ में अचानक आग लग गई, जिसके बाद डिपो अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डिपो अधिकारी ओम प्रकाश कुंवर ने बताया कि सेंचुरी पेपर मिल के अग्निमिशन वाहन ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया था। हल्द्वानी से भी अग्निमिशन वाहन बुलाए गए। दोनों अग्निमिशन वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पाया। घटना में करीब 30,000 की सरकारी लकड़ी जलकर खाक हो गई। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। आज हम लोग घूम रहे थे यहाँ पर, कर्मचारी में घूमते रहे थे, उन्होंने देखा उसको, फिर उन्होंने अलग अलग किया। फिर हम लोग आए तब तक इसमें कुमरकाश बोलते हैं इसको, इसमें शेमल होटल ही होता है, कुमरकाश होता है। पुलिस वालों को फोन किया गया और फोन किया गया, बगल में है। हाँ, अब आज कंट्रोल में है।